सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसान अपनी मांगों को लेकर 1 जून से 7 जून तक प्रदेश में फल दूध और सब्जी का विक्रय बंद करेंगे। राष्ट्रीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है, जिससे नाराज किसान आंदोलन की राह पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसानों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाल ही में हुई अतिवृष्टि ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन अब तक सरकार ठीक ढंग से उसका सर्वे भी नहीं करा पाई। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही अतिवृष्टि ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वे कराकर किसानों के खातों में राहत राशि डाले और पूर्व से लंबित राहत राशि और फसल बीमा की राशि भी किसानों के खाते में डाली जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 50% से ज्यादा नुकसान पर 32,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को राहत राशि दी जाएगी, लेकिन सरकार अपना आशय स्पष्ट करेगी 50% से कम नुकसान होने पर कितनी राशि दी जाएगी। सरकार स्पष्ट करे, नहीं तो किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जरूरत का तो विस्तार से बता दिया है आपको। नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक, ओला पाला और सीमांकर खुद बटान, ये तमाम विकराल समस्याएं हैं मध्य प्रदेश के किसानों की। अगर ये हल नहीं करती है सरकार, सुनिश्चित नहीं करती है, गेहूं पर FAQ की बात हमारे अभी अध्यक्ष जी ने कही है कि उसमें शिथिलता बरतें, क्योंकि FAQ का मतलब क्वालिटी देखते हैं वो, और पानी गिर जाने से गेहूं का कलर बेदाग हो गया है, तो उसमें शिथिलता हमेशा बरती गई है। वो जो हमारी मांगे हैं, उन तमाम मांगों पर सरकार अगर गौर नहीं करती है, उसका कोई निराकरण नहीं करती है, चने की अवलंब खरीदी चालू नहीं करती है, 5 बिंदुओं पर भारत सरकार ने जो हमसे वचन दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश के जो किसानों पर मुकदमे बने हैं वो वापस नहीं लिए जाते हैं, और सरदार सुरेंद्र सिंह जी की शहादत अपना ये डबरा के हैं वो रहने वाले, वो शहीद हो गए, उनको मुआवजा राशि आज तक नहीं मिली है। ये पूरी हमारी जो मांगे हैं सरकार नहीं करती है, इस पर गौर नहीं करती है, तो 1 जून से 10 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में, पहले हमने किया था केवल 16 जिले, मालवा के जिसमें मंदसौर गोलीकांड हुआ था, 6 किसान शहीद हुए थे, 6 को गोली लगी थी। अगर ये नहीं होता है तो पूरे मध्य प्रदेश में 1 जून से 10 जून तक फल दूध सब्जी बंद करेंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.